हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को BSA आप लोगों को दिखाने वाला हूं। गोल्ड स्टार 650cc की बाइक है, रिसेंटली लॉन्च है। ये आप लोग देख सकते हैं यार, ये है BSA, नया मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है अभी। एंड ये आप लोगों को जावा के शोरूम्स पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये आप लोगों को फीचर्स ऑफर कर रहा है ना, वो आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा। क्या क्या प्राइसिंग आप लोगों को मिलती है, कितने वेरिएंट्स आते हैं, सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस बाइक से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस गाड़ी की प्राइसिंग की। ये है इसका ब्लैक एंड क्रोम कलर, जो आप लोगों को एक्सट्रीम प्राइस के साथ पोस्ट करता है 311,990 रुपये, 311,990 रुपीज इसका एक्सशोरूम प्राइस है। और ऑन रोड की बात करूँ तो 3,64,749 रुपीज जो है इसका ऑन रोड प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली में। 364,749 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में, 311,990 रुपये इसका एक्सशोरूम प्राइस है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी फीचर से। तो शुरुआत हम लोग करेंगे इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके जो व्हील्स देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों को उसमें पिरेली के जो व्हील्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 190/18 इंच का आप लोगों का जो इसका फ्रंट टायर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ब्रेकिंग की बात करूँ तो आप लोगों को ब्रैम्बो ब्रेकिंग इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ब्रैम्बो ब्रेकिंग आप लोगों को सुपर बाइक्स में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे ब्रैम्बो ब्रेक जो है वो ऑफर की जा रही है। एंड इसमें आप लोगों को फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक मिलेगी वो 320mm के आप लोगों को फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो भी देखने को मिल जाती है। इधर आप लोगों में जो रिफ्लेक्टर है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे दे दिए गए हैं दोस्तों। एंड इसके अंदर आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। अलॉय व्हील्स का ऑप्शन इसमें आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है फिलहाल अभी। एंड ये आप लोगों को ट्यूब टायर देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो है मडगार्ड मिलेगा, ये लुक आप लोगों को ऐसे देगा जैसे मेटल का है, लेकिन ये फाइबर आप लोगों को मिलेगा, प्लास्टिक मडगार्ड आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है इसके अंदर। इसके बाद ये आप लोग जो इंडिकेटर देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को इसके अंदर LED इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये LED टर्न इंडिकेटर इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। हेडलाइट आप लोगों को हालांकि हैलोजन बल्ब में देखने को मिलने वाली है। अंदर आप लोगों को BSA यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रेट्रो मोटरसाइकिल है, ओल्ड स्कूल पे ही बेस्ड है, अभी भी वैसे ही बनाई है कंपनी ने जैसे कि ये ओल्ड स्कूल पहले आया करती थी। यहाँ पे आप लोगों को तो छोटा सा पार्किंग बल्ब भी देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट लगाने के यहाँ पे आप लोगों को जो प्लेसमेंट है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो ये है यहाँ पे इसका मीटर, जिसके अंदर आप लोगों को 200 की जो टॉप स्पीड है वो देखने को मिल जाती है। एंड ये उल्टा चलता है, आप लोगों को ज्यादातर वीडियो आपने देखा होगा मीटर जो है वो ऐसे चलते हैं सीधा, लेकिन ये उल्टे चलते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के डायरेक्शनल आप लोगों को शो करेगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों को इसमें RPM मीटर मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर नेविगेशन इंडिकेटर्स वगैरह शो करेगा जो आप लोगों को इसकी तरफ यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा चाबी की बात करें तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को जो की है इसकी दिखने को मिलेगी, जिसमें BSA आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है इसका ब्लैक कलर का काफी वाइड हैंडल, ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर दो जो चार्जिंग पोर्ट है दिखने को मिलेंगे, USB मिलेगा आप लोगों को और एक यहाँ पे टाइप सी आप लोगों को मिलेगा। सो अगर आप लोग iPhone यूजर्स हैं और आप लोग Android यूजर हैं तो दोनों के लिए यहाँ पे BSA ने दिए गए हैं चार्जिंग पोर्ट, आप लोग चार्ज इसको कर सकते हैं। बाकी जो इसके लिवर वगैरह आप लोगों को मिलेंगे, गियर लिवर, ये आप लोगों को यहाँ पे एल्यूमिनियम में देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को प्लास्टिक में इसके साइड मिरर्स जो है वो ब्लैक कलर में दिए जाएंगे राउंड शेप में, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी स्विचेस वगैरह की जो क्वालिटी है वो डिसेंट आप लोगों को मिलती है यहाँ पे। एंड हैजार्ड वगैरह सारे स्विच आप लोगों को दिए जाते हैं। ये है इसका फ्यूल टैंक, जो इसका फ्यूल लीड है वो आप लोगों को थोड़ा सा साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना ये रिसेंटली लॉन्च बाइक है, तो भाई ये 1903 से बाइक आ रही है ये वाली, ये आप लोग देख सकते हैं 1903 यहाँ पे ब्रांडिंग आप लोगों को मिलेगी। बाकी फ्यूल टैंक आप लोग देख सकते हैं इसका, इधर की तरफ आप लोगों को यहाँ पे जो क्रोम है वो आप लोगों को सारा देखने को मिलेगा। BSA यहाँ पे आप लोगों को 3D में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये जो आप लोगों यहाँ पे सिल्वर स्ट्रिप जो है देखने को यहाँ पे बीच में देखने को मिलती है। फ्यूल लीड इसका हल्का सा आप लोगों को राइट हैंड साइड में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर का यहाँ पे जो इसका फ्यूल टैंक है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ड्यूल टोन कलर में जो उसका इंजन है वो देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आप लोगों को मिलेगा। काफी बड़ा आप लोगों को सामने की तरफ रेडिएटर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा, भाई बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 650cc की बाइक है, जो काफी पावरफुल इंजन आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 652cc का इंजन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 45 BHP की जो बाइक है पावर प्रोड्यूस करेगी विद 55 Nm ऑफ टॉर्क इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ ये रहने वाली है। एंड आप लोगों को लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज अच्छी है, इसमें आप लोगों को जो एग्जॉस्ट मिलता है वो इधर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक सिंगल एग्जॉस्ट, इसमें ट्विन आप लोगों को नहीं दिए गए हैं। इसका बैंड पाइप आप लोग देख सकते हैं, एंड ये है इसका यहाँ पे एग्जॉस्ट। अब इस बाइक को आप लोगों को स्टार्ट करके देखो, इसकी साउंड आप लोगों को मैं सुना देता हूँ।
अब बात करते हैं इसके रियर पोर्शन के बारे में, सीट के बारे में। देख, सिंगल सीट आप लोगों को यहाँ पे दी जा रही है, जो कि आप लोगों को जावा की बाइक्स में देखने को ज्यादातर मिलती है। ऐसी तरीके की आप लोगों को सीट मिलेगी। यहाँ पे पीछे बैकरेस्ट वगैरह आप लोगों को नहीं मिलेगा कुछ भी। बाकी एक यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिप जो है वो भी दे दी गई सीट पे। पीछे की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन आप लोगों को रियर में मिलते हैं, और ये इसका जो मडगार्ड है ये आप लोगों को आगे प्लास्टिक पार्ट में फाइबर में ही देखने को मिलने वाला है। टेल लाइट आप लोगों को इसकी बल्ब में देखने को नहीं मिलेगी। पीछे नंबर प्लेट लगाने की प्लेसमेंट वगैरह मिल जाती है। बाकी फ्रेंड्स, इसके रियर टायर के बारे में बात करें तो 150x70 17 इंच का आप लोगों को उसका रियर टायर देखने को मिलेगा। पीछे भी आप लोगों को इसमें जो डिस्क ब्रेक है देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ड्यूल डिस्क ड्यूल चैनल ABS जो है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इसके अंदर मेन स्टैंड नहीं आता है, ओनली साइड स्टैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जो इसके फुटपैक्स हैं वो आप लोगों को एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे साइड में आप लोगों को जो गन्स हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो BSA ब्रांड है ये ज्यादातर वेपन्स बनाता है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गोल्ड स्टार की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो पार्ट आप लोगों को अगेन प्लास्टिक में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी पीछे भी आप लोगों को जो ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। साड़ी कार्ड आप लोगों को यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात कर रहे हैं इसके कर्व वेट की, तो यहाँ पे आप लोगों को 201 किलो का जो कर्व वेट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीट हाइट की बात करें तो 782 mm की सीट हाइट आप लोगों को मिलेगी, एंड 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई BSA गोल्ड स्टार 650cc की बाइक, एंड काफी पावरफुल बाइक है एंड काफी ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि अभी नई बाइक है, ये रिसेंटली लॉन्च है, काफी टाइम बाद कमबैक किया है BSA ने इंडिया में। तो ये बाइक की काफी डिमांड है। आज की वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।